हेलो स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट ए न्यू लेसन चैप्टर नंबर एट लोकल गवर्नमेंट्स। आज हम एक नए अध्याय अध्याय आठ लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट ऑफ थ्री फॉर्म्स फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड फॉर्म इज़ लोकल गवर्नमेंट व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी लोकल स्थानीय सरकार है वो क्या होती है गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जो सरकार ग्रामीण और जिला स्तर पर होती है उसे हम लोकल यानी कि स्थानीय गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं जैसा हम देखते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है उसे केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है जो अलग अलग स्टेट की यानी कि जो राज्यों की जो सरकारें होती हैं उन्हें राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार जो इंडिया में गवर्नमेंट का जो थर्ड लेवल है उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है जिसमें विलेज यानी कि गांव और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर की, की जो सरकारें होती हैं उन्हें कहा जाता है क्लोज टू द कॉमन पीपल यानी कि इसमें जो कॉमन पीपल हैं यानी कि जो ये हमारे सामान्य जो व्यक्ति होते हैं सामान्य नागरिक होते हैं उनके बहुत ही पास में ये सरकार होती है इन्वाल्व द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स टू ऑर्डनरी सिटीजन जो सामान्य नागरिक हैं उनकी रोज़मर्रा की यानी कि जीवन में प्रतिदिन जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें हल करने के लिए यह गवर्नमेंट बनाई जाती है बिलीव द लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल इंटेगेटेड फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशंस एंड पब्लिक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर जो हमारी लोकल गमेंट होती है उसमें हम देखते हैं कि लोकल नॉलेज यानी कि जो स्थानीय ज्ञान और स्थानीय जो इंटरेस्ट यानी कि रुचि यानी कि जो मुख्यतः जो लोकल गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो स्थानीय यानी कि लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में किस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग यानी कि जो निर्णय लिया जाता है वह सामान्यतः वहाँ की जितनी भी जो समस्याएं होती हैं उनको देख लिया जाता है और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासन होता है वो पीपल फ्रेंडली यानी कि जो लोग हैं आसपास के जो लोग हैं उनसे मित्रता उनके साथ इसमें प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इट इज़ सो नियर द पीपल यानी कि सबसे पहला एडवांटेज है कि ये जो पीपल होते हैं लोग होते हैं लोगों के बिल्कुल पास में होती है यानी कि लोगों के करीब होती है लोगों के बीच में ही इस सरकार का गठन किया जाता है कन्वेंशन एंड फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बोथ क्विकली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होती है उनकी अप्रोच उनसे बहुत पास में होती है उनकी पहुंच इस तक होती है और वह अपनी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आपस में मिलकर और बहुत ही शीघ्रता से और साथ ही साथ बहुत कम ही लागत पर इसे ये अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आपस में मिलकर यहाँ के लोग आपस में मिलकर इस लोकल गवर्नमेंट में कर सकते हैं इट इज़ एट द लेवल ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट the common citizen can be involved in decision making concerning their living their need and about all their development yani ki iske andar hum dekhte hain jo common citizen hote hain yani ki jo samanya नागरिक होते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व यानी कि इसमें उनकी भागीदारी होती है स्थानीय सरकार में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है वही इसमें डिसीजन यानी कि जो निर्णय लेने का काम करते हैं और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें निर्णय लेते हैं जिससे जिस चीज़ का वहाँ पर विकास होना चाहिए उस चीज़ का वहाँ पर विकास किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि यह बिल्कुल जो सामान्य नागरिक होते हैं उससे जुड़ी हुई होती है उसके बीच में सरकार बनाई जाती है सरकार यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार है उसमें सभी सामान्य व्यक्तियों की भागीदारी होती है वो अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे बहुत ही शीघ्रता से और कम से कम कम से कम लागत में वो अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सेल्फ गर्म गोवर्विंग विलेज कम्युनिटी एक्सेंड इन इंडिया फ्राम द अर्एस्ट टाइम इन द फ्राम ऑफ सबाज हम देखते आए हैं कि प्राचीन समय से ही भारत में जो विलेज होते हैं गाँव होते हैं गाँव के जो समुदाय होते हैं वो अपनी जो समस्याएँ होती है उनका समाधान आपस में मिलजुल कर करते हैं जिसमें जैसे गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभाएं होती हैं वह उसमें अपनी समस्याओं का समाधान करते थे ये प्राचीन समय से ही प्राचीन भारत से ही हमारे यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है वो चलती आ रही है इन द कोर्स ऑफ टाइम देइ विलेज बॉडी टुक द शेप ऑफ पंचायत जैसे जैसे समय आगे बढ़ा जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुए ये जो ग्रामीण जो क्षेत्र की जो सामुदायिक बैठकें थीं अब उन्होंने पंचायतों का रूप ले लिया जिसमें हम कह सकते हैं पंचायत का मतलब एन असेंबली ऑफ फाइव परसेंट जिसमें मुख्यतः पांच ग्रामीण क्षेत्र के जो पांच महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वो इस पंचायत का हिस्सा माने जाते थे उनके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय होते थे जो भी डिसीजन पंचायत के इन जो मेंबर्स होते थे उनके द्वारा लिया जाता था उसे सभी को मानना पड़ता था एंड दिस पंचायत एंड दिस पंचायत रिसोल्व इशू एट द विलेज लेवल और ये जो पंचायत है वो जितने भी जो विलेज लेवल यानी कि जो ग्रामीण स्तर के जितने भी जो इश्यूज होते थे जितने भी विवाद होते थे उनका निपटारण इनके द्वारा किया जाता था इन मॉडर्न टाइम इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट बॉडी वर क्रिएटेड आफ्टर 1882 जो अब आधुनिक समय में हम देखें तो अब जो लोकल यानी कि स्थानीय जो सरकार है उसकी जो बॉडीज उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो ढांचा होता है उसके लिए इलेक्शन यानी कि चुनाव किए जाने लगे आफ्टर एटी एटी टू अठारह के बाद में जो लोकल स्थानीय जो सरकार होती थी उसमें इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट बॉडी होती थी उसको चुना जाता था लॉर्ड रिपन वू वास वाइस राय ऑफ इंडिया एट द टाइम टुक द इंटरनेटिव इन क्रिएटिंग दिस बॉडीज़ उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों में जो भारत के उस समय के जो वाइस राय थे लॉर्ड रिपन उसने इस तरीके की व्यवस्था को प्रारंभ किया था दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स और उन्हें लोकल बोर्ड यानी कि स्थानीय बोर्ड के नाम से जाना जाता था यानी कि भारत में जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको प्रारंभ करने वाले लॉर्ड रिपन जो वाइस राय थे उस समय उन्होंने भारत में लोकल गवर्नमेंट को स्थापित किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विलेज पंचायत वर इस्टैब्लिश्ड इन ए नंबर ऑफ प्रविलेंस दीज थ्रेन कंटिन्यू आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव जो भारत में भारत का जो उन्नीस सौ उन्नीस का जो अधिनियम था उसमें विलेज की जितनी भी पंचायतें थीं उनके लिए एक नंबर एक जो संख्या निर्धारित की गई और बाद में जाकर जो 1935 का जो अधिनियम था उसमें भी इसे जारी रखा गया मतलब एक संख्या निश्चित कर दी गई कि इस संख्या में जो लोकल जो गवर्नमेंट है लोकल जो बोर्ड है उसमें मेंबर्स होंगे पंचायत वर लुकड ओपन द इंस्ट्रूमेंट एंड डिकनाइजेशंस ऑफ प्रैक्टिक प्रैक्टिपोरिज डेमोक्रेसी यानी कि जो पंचायत थी उसने अपने अधिकारों का उपयोग किया और जो डेमोक्रेसी यानी कि जो जनतंत्र है उसको बनाए रखने में सहयोग दिया वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज एस्यूमिंग द स्टेट यानी कि जितने भी जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था वो स्टेट यानी कि राज्यों को दिया गया इट वॉज़ ऑल्सो मेंटेन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज़ वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री यानी कि जो भारत है भारत में जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसे शामिल किया गया था